हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। देखिए गाइस, बात करने वाला हूँ यूएफओ मूवीज के बारे में। आज इस स्टॉक में एक शानदार जोरदार तेजी देखने को मिली थी। करीब करीब 8-10% शेयर तेज था। अगर अभी की बात करूँ तो अभी भी 5.5% की तेजी है। और स्टॉक के वॉल्यूम्स देखो तो बस करते हुए दिख रहे हैं। 2.8 मिलियन वॉल्यूम्स ट्रेड हो चुके हैं। और एवरेज वॉल्यूम्स की बात करूँ 3,47,000 के एवरेज वॉल्यूम है, जहां पे आज के सेशन में अगर आप इसको इंडियन में कन्वर्ट करें तो 28 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं और अभी 1:30 बज रहा है। तो देख सकते हैं आप कितने हैवी वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। रीजन बताऊंगा मैं आप सभी को, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को कुछ याद दिलाना चाहता हूं। 3 दिन पीछे जाइए, मैंने आपको ये स्टॉक रिकमेंड करा था और स्टॉक ट्रेड कर रहा था उस टाइम 108 रुपीज के लेवल्स पे। मैंने आप सभी से सिर्फ एक ही चीज कही थी कि स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली बहुत बड़ा डिविडेंड देता है। 2020 में यानी 2020 में स्टॉक की कुछ बुरी तरीके से पिटाई पड़ती हुई दिखी। इनफैक्ट जब से शेयर आया तब से पिट रहा है, बट स्टॉक के फाइनेंशियल्स खराब नहीं है, बैलेंस शीट खराब नहीं है। स्टॉक में आपको बाय की रिकमेंडेशन दी थी और कहीं ना कहीं मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये स्टॉक मल्टीवैगर बन सकता है। और मैं अभी भी अपने ये जो अभी 10-15% के रिटर्न्स आ रहे हैं आप सभी को, जिसने मेरी वीडियो देखी है उसने बाय करा है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अभी बेचने की जल्दबाजी नहीं करना। लेकिन जिसने भी अभी तक खरीदा नहीं है, क्या उसे इन लेवल्स पे खरीदना चाहिए, इसके बारे में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। और बात करने वाला हूं आज स्टॉक में तेजी क्यों आई है, उसके पीछे का रीजंस भी कहीं ना कहीं मैं आप सभी को बताने वाला हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश करना चाहूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। डेली बेस पे 5-7 वीडियो अपलोड होती है हमारी साइड से, जहां पे A to Z आपको खबर मिलेगी स्टॉक्स की एंड रिकमेंडेशंस भी आती रहती हैं हमारी तरफ से। जिसपे UFO मूवीज भी आपके सामने जो है हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, हमारे क्लाइंट्स के पास भी था। अभी स्टॉक के बारे में बात करता हूं। देखिए एक चीज और बोलना चाहूंगा, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया और पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना। देखिए 122.70 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 127.90 का आज का हाई है, जो इसका 52-week हाई भी लगता हुआ दिखा है। गाइज ये केवल 52-week हाई है। अगर इसका आप ऑल टाइम हाई देखने जाओगे तो 600 रुपए से ऊपर के इसके 52-week हाई, सॉरी ऑल टाइम हाई है, वहां से स्टॉक वन साइडेड गिरावट दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं 70-80 रुपए पे आगे स्टॉक कहीं ना कहीं आपको देखिए 2020 दो साल से कंसोलिडेट कर रहा है और धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। और मुझे लगता है इस स्टॉक में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, यहाँ से 300-400 रुपए का हो सकता है ये स्टॉक, बहुत पोटेंशियल है ऊपर आने का, बहुत दम लगता है। एक एक करके मैं आपको डिटेल्स भी दूंगा। सबसे पहले आज जो बज हो रहा है ये स्टॉक, इसके पीछे का रीजन है साउथ में एक मूवी रिलीज हो रही है बीस करके, जिसके चलते स्टॉक में तेजी है। देखिए PVR आईनॉक्स का क्या काम है, अगर मूवी हिट होती है, मूवी चलती है ज्यादा तो फायदा होता है। UFO मूवीज का जब मैं इंटरव्यू देख रहा था मैनेजमेंट का, तो उन्होंने उन्होंने कहा मैं इंटरव्यू में कि हमें हिट और फ्लॉप होने से मतलब नहीं है, हमें केवल ये मतलब है कि मूवीज रिलीज होनी चाहिए। मींस कि जितनी ज्यादा मूवी रिलीज होंगी उतना UFO मूवीज को प्रॉफिट होगा। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बहुत ही शानदार वर्ड का प्रयोग करा कि हम केवल प्रॉफिट करने वाली कंपनी है, हम लॉस करते ही नहीं है, क्योंकि मूवीज इंडियन सिनेमा में आती रहेंगी और हमें प्रॉफिट होता रहेगा। मूवीज आना जिस दिन बंद हो जाएंगे उस दिन हमें लॉस होगा। और 2020 कोविड 2021 में कुछ यही दिखा हमें कि मूवीज आना ही बंद होंगी, एक्सेप्शनल केस था जो कभी होता नहीं है, हुआ इसके चलते उन्हें लॉस हुआ। अभी आप इस स्टॉक के फाइनेंशियल देखोगे तो इस स्टॉक में जोरदार, कहीं ना कहीं आपको A to Z चीज जोरदार दिखेगी। डिविडेंड काफी शानदार देखने को मिलेंगे आपको स्टॉक में। और आपको एक चीज और बताऊं मैं, देखिए ये स्टॉक हमेशा प्रॉफिट में ही था। अगर आप FY20 को छोड़ दें और FY21 में देखें तो देखिए आपको मैं A to Z क्लियर बताता हूं। अगर इसके पैट की बात करें, FY20 में 40 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा था, ठीक है, ये कंपनी मींस, और FY21 में 118 करोड़ का लॉस हुआ। और यहाँ FY22 से मुझे लग रहा है सब नॉर्मल होता हुआ दिख रहा है अभी तक तो, और सिनेमा भी जोरदार रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है। A to Z आपको देखिए RRR, अभी KGF लाइन लगी हुई है, पिक्चरों की लंबी लिस्ट है, तो कहीं ना कहीं मूवीज आ रही हैं, जिसके चलते ये स्टॉक दोबारा फोकस और लाइमलाइट में आता हुआ दिख रहा है। और मुझे लगता है ये इस क्वार्टर फोर्थ तक दोबारा FY23 में कहीं ना कहीं दोबारा से ये प्रॉफिट में आ जाएगा Q4 तक,
और मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से डबल होने की दम तो बहुत ही इजीली रखता है। इस स्टॉक की डिविडेंड भी देखो तो आप काफी शानदार डिविडेंड यील्ड है, काफी बड़े बड़े डिविडेंड देते थे ये स्टॉक। और स्टॉक की अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो ये थोड़ी सी कमजोर दिख रही है। प्रमोटर्स मास्क 22.79% होल्ड करते हैं, प्लेज भी काफी ज्यादा शेयर है। अदर्स की बात करो तो रिटेल इन्वेस्टर, सारी पोर्टफोलियो रिटेल इन्वेस्टर के पास 76%। ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, बट इस स्टॉक के बारे में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए और लंबे समय के लिए रखिए। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है और वो सोच रहा है क्या हम अभी खरीद सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं ये स्टॉक थोड़ा उल्टा सीधा है, मतलब चलता एकदम है लेकिन धीरे 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 गिरता है। तो ये आपको इजिली 110, 115, 112 पे अराउंड अवेलेबल होगा, वहां आप इसे ऐड करें और एकदम ना लगाएं, हर गिरावट में ऐड करें। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, एक लेवल देता हूं आपको मैं आज के सेशन में, वो लेवल क्रॉस हो जाए तो आप यहां आज भी बाय कर सकते हैं, जिस दिन भी हो उस दिन। देखिए स्टॉक का आज से पहले का जो 52 वीक हाई था वो था 124.65 का, तो स्टॉक अगर 125 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो वहां से 10% की तेजी मुझे स्टॉक में दिख रही है। क्योंकि स्टॉक देखिए सुबह से 125 के ऊपर जैसे ही निकला वैसे ही नीचे आ गया स्पाइक के साथ, और उसके बाद दोबारा 125 ब्रेक ही नहीं कर रहा है। अगर स्टॉक लास्ट सेशन में लास्ट आवर में अगर तेजी दिखाता है तो मुझे लगता है 125 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, वो निकलने के बाद स्टॉक में बड़ी तेजी बन सकती है। तो मेरे हिसाब से या तो 125 के ऊपर बाय करें, अदरवाइज आप लोअर लेवल्स पे बाय करने की चेष्टा करें और हर गिरावट में खरीदते चले लंबे समय के लिए। टाइम्स को आपको ज्यादा देना होगा, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, ये ट्रेडर के रूप में ना खरीदें, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के रूप में खरीदें। ये थी मेरी वीडियो UFO मूवीज शेयर पे, होप आप सभी को ये वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।